दोस्तों, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तब भी आप आधार कार्ड से अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, और ये फीचर भी कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लागू हुआ है। जल्द ही बाकी बैंकों में फीचर लागू हो जाएगा, लेकिन इससे संबंधित जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करते हैं। इसी बीच एक और अपडेट आ गया है आधार यूपीआई रजिस्ट्रेशन को लेकर। जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है उनमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। हो सकता है बहुत यूजर टर्म एंड कंडीशन की पहली वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में पूरा टर्म एंड कंडीशन को एक्सप्लेन हम करेंगे। पहली टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको आधार ओटीपी बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर सिर्फ आपको भीम एप्लीकेशन में मिलेगा, जिसका वर्जन 296 होना चाहिए, 295 नहीं। अगर आपको नहीं पता कि 296 वर्जन कैसे आपको इंस्टॉल करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप 296 जो वर्जन है भीम का उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन यह है कि आपका जो अकाउंट है जो उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर है आपके अकाउंट से, वही मोबाइल नंबर आपके आधार में भी रजिस्टर होना चाहिए। दोनों जगह जो मोबाइल नंबर है सेम मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर आपका अकाउंट में भी होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपका आधार ओटीपी से यूपीआई पिन अपना सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये फीचर भी कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लागू हुआ है। बस आज के लिए इतना ही, एक इंपॉर्टेंट अपडेट था आधार ओटीपी बेस्ड यूपीआई पिन सेट करने के लिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, क्योंकि ऐसे ही आपको नॉलेजबल वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।